अधिकारी सोने की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं खुलासे में हत्या करने के पीछे एक महिला से प्रेम संबंध होने की बात सामने आई है। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह ने थाना प्रभारी तारेश सोनी को अति शीघ्र खुलासा करने के निर्देश दिए। थाना प्रभारी की टीम ने आज पवन पाटिल की हत्या के आरोपी राम सिंह पिता दरियाव सिंह पटेल निवासी चैनपुरा को गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी ने बताया कि पवन की हत्या की मुख्य वजह एक महिला से प्रेम संबंध होना बताई गई है। थाना प्रभारी ने बताया कि पवन की हत्या की मुख्य वजह एक महिला से प्रेम संबंध होना है, क्योंकि महिला से आरोपी राम सिंह पटेल के पहले से संबंध थे। बाद में उसी महिला से पवन ने संबंध बना लिए और महिला का पहले प्रेमी आरोपी राम सिंह के प्रति आकर्षण कम होने लगा और वह पवन पाटिल पर ज्यादा आकर्षित होने लगी। इसी बात को लेकर राम सिंह पटेल और मृतक पवन पाटिल में तनातनी हो गई। पवन महिला को कहने लगा कि मैं बोलूं तो राम सिंह से बात किया करो। इसी बात को लेकर घटना वाली रात राम सिंह पटेल और मृतक पवन पाटिल ने बैठकर शराब पी, जिसके उपरांत पवन ने महिला को फोन लगाया और बोला कि मैं कहूँ तो ही तू राम सिंह से बात करना। इसी बात को लेकर राम सिंह सोच के बहाने गया और पत्थर उठाकर पवन पाटिल की हत्या कर उसका मोबाइल लेकर फरार हो गया। पुलिस ने मृतक के मोबाइल की लोकेशन के आधार पर आरोपी राम सिंह पटेल पिता दरियाव सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। उक्त मामले में खुलासा करने में सब इंस्पेक्टर बागचंद तंवर, उप निरीक्षक संतोष पाटीदार, प्रधान आरक्षक अनिल राजावत आदि का योगदान रहा। देखिए 13/7 को एक दुर्घटना हुई थी थाना बदून में सागर होटल में। वहाँ पर एक सम्राट ढाबा है, वहाँ एक मृतक मिला था, एक मृतक की लाश मिली थी जिसमें उसका चेहरे को कुचल दिया गया था। और इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करते हुए CSP पीतमपुर TI बगदून और उनकी टीम ने इस मामले को ट्रेस किया है और आरोपी को अरेस्ट किया है। पूरे इस प्रकरण में ये निकल के आया है कि राम सिंह पिता दरियाव सिंह जो मृतक पवन पिता रमेश का दोस्त था, ये दोनों एक ही लड़की से प्रेम करते थे और घटना दिनांक को ये दोनों साथ में बैठ के शराब पी। शराब पीने के बाद दोनों में इस बात का विवाद था कि एक दोनों एक दूसरे को कहते रहते थे कि उससे बात नहीं करेगा। उस दिन शराब पीने के बाद राम सिंह उठा और टॉयलेट जाने के बहाने से उठा और उसने मृतक है उसको पीछे से पत्थर मारा और मार मार के उसका जो है सर पूरा कुचल दिया। उसका मोबाइल फ़ोन लेके भाग गया ताकि उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज की। इस पूरे प्रकरण में CSP पीतमपुर TI पीतमपुर सभी की टीम ने अच्छा काम किया। आरोपी और सभी मशहूर का है।